हेलो गाइस, इंसेक्ट फिजियोलॉजी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर। क्योंकि हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम ग्रासहॉपर को जो है वो एक मॉडल इंसेक्ट के तौर पर स्टडी करेंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम पढ़ते कि लाइक मोस्ट ऑफ अदर आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट हैव रिलेटिवली सिंपल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन यानी हेड रीजन्स, ए पार्ट ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स थ्रू आउट द बॉडी। ये देखो, ये नर्व कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। एंड द गेंगलियन, नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम हेयर थ्रू आउट द बॉडी। ये गेंगलियन है, तो ये गेंगलियन से, ये देखो, ये गेंगलियन और ये मुख्तलिफ किस्म, यहाँ से क्या होता है, ये जो नर्व्स देख रहे हैं आप, ये नर्व्स है वो ब्रांच आउट फ्रॉम हेयर, यानी ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे ब्रेन है, ये पूरा का पूरा नर्व कार्ड है, और ये गेंगलियन है जहाँ से ये ब्रांचिंग आउट ऑफ दी नर्व्स है थ्रू आउट द बॉडी जो है वो स्प्रेड हो जाता है। इंसेक्ट हैज आई कंपोनेंट, सिंपल एंटीना, फीलर एंड टेस्ट ऑर्गन, रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई एंड सेंसिटिव टू साउंड यूजिंग टेम्पेनम। आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का जो ज़्यादातर ताल्लुक होता है किससे, उसका एसोसिएटेड विद व्हाट, एसोसिएटेड विद स्टिमुलाई, स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं, मुहर्रिक जिसको हम उर्दू में कहते हैं स्टिमुलस, यानी ये जो नर्वस सिस्टम है इसका असल में काम क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलस रिसीव करके, स्टिमुलस कोई भी हो सकती है, मसलन किसी, कोई जलन की इफेक्ट होती है, कोई सन बन की इफेक्ट होती है, कोई मतलब आवाज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसी तरह का स्टिमुलस रिसीव करके, ये जो नर्व कार्ड है ये स्टिमुलस रिसीव करके, तो गेंगलियन और फिर गेंगलियन से जो है ब्रेन और आगे से फिर ब्रेन जो है वो मसल्स वगैरह को जो है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो इशू करते हैं। ये बाकी भी एनिमल फिजियोलॉजी में इसी तरह है कि ये किस तरह न्यूरॉन जो है बॉडी में काम करते हैं, ये इनसे अच्छी तरह आप वाकिफ है, क्योंकि दूसरी फिजियोलॉजी में, दूसरी एनिमल फिजियोलॉजी में भी ये इसी तरह है जिस तरह के इसमें, सही है। तो इसमें ये ब्रेन है और ये नर्व कार्ड है और ये इसमें गेंगलियन है, ये सिंपल है, सही है। अब नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी न्यूरॉन टाइप है, ठीक है, या न्यूरॉन है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसमें, ये न्यूरॉन ही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें, जो कि नर्वस सिस्टम एक बेसिक यूनिट के तौर पर काम करता है। तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इन द नर्वस सिस्टम इज द नर्व सेल आर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है मुख्तलिफ किस्म के, ये टाइप्स आप बेशक न देखें, बस ये सिंपल टाइप आप देख लें कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में ये डेंड्राइट है और ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये एग्जान है, ठीक है, ये एग्जान है और ये डेंड्राइट है। ये बाकी किस्में हैं, आप किस्मों की डिटेल पे न जाएं, जिसको पढ़ना है वो बेशक पढ़ लें, लेकिन ये जो है ये एग्जान है और ये डेंड्राइट है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द नर्व सिस्टम इज द सेल आर न्यूरॉन कंपोज ऑफ सेल बॉडी विद इन टू प्रोजेक्शन फाइबर, द डेंड्राइट दैट रिसीव द स्टिमुलस and the axon that transmit the information either to another neuron or to an upper effector organ such as muscle। यानी stimulus जब body पे आ जाते हैं, ये आपको मैंने बता दी कि सारी body में जो है वो scattered होते हैं, सही है। तो कोई भी बाहर का जो stimulus है, जो मुहर्रिक होते हैं, वो आ जाता है यहाँ, इसको ये receive करता है और ये dendron जो है वही जो है वो stimulus जो है वो आगे transmit कर देता है आइदर टू द अदर न्यूरॉन, ठीक है, अगर वो सिलसिला है आगे मसल दूर है तो या तो दूसरी को ये ट्रांसफ़र कर देता है या फिर डायरेक्ट जो है मसल यानी इफेक्टर आर्गन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। आगे जी हम जाते हैं कि नर्वस सिस्टम की तीन सेक्शन है, ठीक है, इसको एक कहते हैं नर्वल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये शामिल है कि ब्रेन, थोरेसिक गेंगलियन है, एब्डोमिनल गेंगलियन है, थोरेसिक एब्डोमिनल गेंगलियन है, ये देखो ये हेड रीजन है, ये थोरेसिक है, ये एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल और ये वो ही नर्व कार्ड है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इजी है, नर्वस सिस्टम में जो है वो ये चीज़ें आपकी शामिल हैं।
उसके बाद विजरल नर्वस सिस्टम है, तो विजरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट सिस्टम, एस फ्रंटल गैंग्लियन एसोसिएटेड विद द ब्रेन, जिसमें ब्रेन है, आयोटा एंड फोरगट, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। फिर वेंट्रल विजरल एसोसिएटेड विद द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, एंड कॉर्डल विजरल एसोसिएटेड विद द पोस्टीरियल सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन, यानी जो इंसेक्ट का पोस्टीरियल है ये यहाँ से यहाँ तक इसके साथ जो एसोसिएटेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तीसरा नर्वस सिस्टम है इसका, कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द मोटर न्यूरॉन, यानी वो जो एग्जान है जो मोटर न्यूरॉन, दे रेडिएट टू द मसल, यानी कहाँ पे ये ट्रांसमिट करते हैं, टू द मसल फ्रॉम द गैंग्लियन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विजरल नर्वस सिस्टम प्लस द सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द क्यूटिकली सेंसरी स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैकेनिकल केमिकल थर्मल और विजुअल स्टिमुला। ये स्टिमुलस की किस्में हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट में नहीं है, ये अदर ऑर्गेनिज्म में भी है। अदर ऑर्गेनिज्म ने भी आपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा, ये उसी तरह का स्टिमुलस है जिस तरह की मतलब और ऑर्गेनिज्म में है, इंसेक्ट का कोई इतना ज़्यादा इससे डिफरेंट नहीं है, सही है। तो इसको आप कंफ्यूज मत करें, वही फिजियोलॉजी है, वही चीज़ें, किस तरह नर्वस सिस्टम काम करते हैं और किस तरह स्टिमुलस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस तरह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और किस तरह उस पर ब्रेन जो है वो रिएक्शन करता है और मतलब जो मैसेज है वो आगे ट्रांसमिट कर देता है। आगे है जी जनाब, हमारे पास एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, कि कौन सी एक्टिविटीज है जो कि नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो प्रोटो सेरेब्रम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, द फर्स्ट पेयर ऑफ गैंग्लियन, प्रोटो सेरेब्रम क्या है, ये गैंग्लियन का फर्स्ट जो है वो पेयर है एंड लार्जली एसोसिएटेड विद विजन, दे इनर्वेट द कंपाउंड एंड ओसिलाई, यानी ए प्रोटो सेरेब्रम का ताल्लुक एसोसिएटेड कहाँ से है, कौन सी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज ऑफ द कंपाउंड आई, यानी ये विजन के साथ जो एक्टिविटीज का एसोसिएटेड है उसको ये कंट्रोल करते हैं, मतलब जो स्टिमुलस आई के जरिए यानी विजन के साथ रिलेटेड है उसको ये कंट्रोल कर देता है। फिर उसके बाद ये है ड्यूटो सेरेब्रम, तो द सेकंड पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द एंटीना, ये जो पोर्शन है द सेकंड पेयर ऑफ गैंग्लिया जो है ये एसोसिएटेड है कहाँ के है, ये एंटीना के साथ। एंटीना आपको इससे पहले मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया था कि ये सेंसरी आर्गन है, फीलर है, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करते हैं, सही है। तो ये जो ड्यूट्रो सेरेब्रम है ये डायरेक्ट एंटीना के साथ एसोसिएटेड है और एंटीना से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ जाते हैं तो उसको ये ड्यूट्रो सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर ट्राइटो सेरेब्रम द थर्ड पेयर ऑफ गैंग्लियन इनर्वेट द लेब्रम, दे आल्सो लिंक द ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड द स्ट्रोमोडियल नर्वस सिस्टम, यानी स्ट्रोमेटो गैस्ट्रिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सही है। तो इनके साथ भी इनका लिंक जो है वो बनता है, यानी वो एक्टिविटीज जो कि लेब्रम के साथ है या जो स्ट्रोमेटा गैस्ट्रिक यानी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एक्टिविटी एसोसिएटेड है उनको जो है ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है जनाब सब एसोपेगल गैंग्लियन, इस चीज ये किस चीज को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल मैंडिबल्स मैक्सिला एंड लेबियम हाइपोपेरिंग सलेवरी ग्लैंड्स एंड नेक मसल, सही है। तो ये चार चीजें हैं, चार ऐसे हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के जो कि मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आईज को कंट्रोल करते हैं, आईज की जितनी भी स्टिमुलस है उसको कंट्रोल करते हैं। ये जो सेक्शन ये एंटीना के फंक्शन को कंट्रोल करता है और ये नर्व ये जो है एसोपेगस और यानी लेब्रम और स्टोमेटोगैस्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करते हैं और सब एसोपेगल गैंग्लियन जो है वो मैक्सिला मैंडिबल
लेबियम हाइपोपेरिंग सलाइवरी ग्लैंड एंड नेक मसल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इन द थोरिक्स थ्री पेयर ऑफ थोरेसिक गैंग्लियन सम टाइम फ्यूज कंट्रोल लोकोमोशन बाय इनर्वेटिंग द लेग्स एंड विंग्स। सही है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इन द थोरिक्स थ्री पेयर ऑफ थोरेसिक गैंग्लियन जो है वो उसका लोकोमोशन को जो है वो करते हैं। थोरेसिक मसल एंड सेंसरी रिसेप्टर आर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस गैंग्लियन। सिमिलरली एब्डोमिनल गैंग्लियन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल। ठीक है, स्पाइरेकल जो कि स्पाइरेकल किसको कहते हैं, स्पाइरेकल वो जगह है जहाँ पे रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन इंसेक्ट में जिस जगह से होती है बॉडी में स्पाइरेकल है। इन बोथ द थोरिक्स एंड एब्डोमिन आर कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ लेटरल नर्व दे अराइजेस फ्रॉम ईच सेगमेंटल गैंग्लियन। ए पेयर ऑफ टर्मिनल एब्डोमिनल गैंग्लियन यूजुअली फ्यूज टू फॉर्म ए लार्ज कॉर्डल गैंग्लियन इनर्वेट द एनस इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द सेंसरी रिसेप्टर सच एज सरसाई लोकेटेड एट द इंसेक्ट बैक एंड।